दीपिका कक्कर भले ही बिग बॉस जीत गई हो लेकिन लोगों का कहना है कि आपके फैंस उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं आपके कमेंट्स मैं इतना बोलूंगा सिर्फ मेरे फैंस ट्रोल नहीं कर रहे इट्स देयर ओपिनियन एंड आई रेस्पेक्ट दैट कम ओ पूरी श्री फैम को मैं धन्यवाद करूंगा ट्रोल करने के लिए नहीं मुझे सपोर्ट करने के लिए मगर बहन का आ, फैंस भी बहुत बहुत गंदी तरह से आ, अगर मेरे फैंस कुछ कर रहे हैं उससे भी गंदी तरह से फेक अकाउंट्स बना बना के श्री फैम इतना स्ट्रॉन्ग है और श्री फैम की मेम्बर बन के इतनी इतनी गालियाँ उनको अपने आप दे रहे थे पता नहीं कौन कर रहा है बट उन सबको मैं इतना बोलना चाहूँगा एक बॉन मैंने बनाया है बहन के साथ वो निभाएंगे मगर आप ऐसे जो हरकतें कर रहे हैं जैसे कि मेरी बेटी के नाम पे भी फेक अकाउंट वगैरह बनाया था आ, उससे भी मैसेज आता है तो मुझे मैं इतना बोलूँगा यार प्लीज़ यार आपका भी बहन है आपका भी माँ है आपकी आपका भी फ्रेंड्स है तो प्लीज़ रेस्पेक्ट द फैक्ट शो इज़ ओवर मैं इतना बोलूँगा कि प्लीज़ मूव ऑन ऑल द बेस्ट एंड श्री फैम थैंक यू अभी भी मेरे साथ है सिर्फ श्री फैम का एक प्लस पॉइंट है ये नहीं कि सिर्फ बिग बॉस के लिए बना ये पूरी लाइफ के लिए बनाए और मैं भी आप सबके साथ ही हूँ

या फिर बिग बॉस का या खतरों के खिलाड़ा का फ़ैन नहीं है वो श्री का फ़ैन है सिर्फ बिग बॉस के लिए बनावट फैंस नहीं है तो मैं इतना बोलना चाहूँगा श्री फैम इज़ मच स्ट्रोंगर दैन एनी इन दिस वर्ल्ड और उनका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिर्फ़ एक दिन में जो कैबरे मूवी जो इतने साल से नहीं रिलीज़ हुआ पूजा दी का मूवी जो कल रिलीज हो अभी आज रिलीज़ हुआ है वो ट्रेंडिंग हो गया था सिर्फ श्री फैम के कारण और श्री फैम इज़ ए स्ट्रोंग बॉन्ड विच नोबडी कैन एवर डिस्ट्रॉय खतरों के खिलाड़ी के पहले टास्क आपने काफी अच्छे से कर लिया था लेकिन दूसरे एपिसोड से आप गायब थे ऐसा क्यों हुआ खतरों के खिलाड़ी मेरी वाइफ ने भी लिखा है रेडेंस टास्क में जो रेडेंस थे वो बहुत ही खतरनाक खतरनाक और डेंजरस एंड है और आ, दे आर एक्चुअली बैंड मगर वो मेरे पाओ में थे और उनकी फोटोग्राफ्स भी आप सोशल साइट में देखा होगा मेरा पाओ ऐसे हालत था मगर आप इस हफ्ते देख लेना चार दिन के बाद मैंने टास्क परफॉर्म किया था इनफैक्ट uh, मुझे बोला था दो हफ्ते प्रॉपर कंप्लीट रेस्ट लेना चाहिए आपने देखा होगा पाव की हालत मगर आप अगले टास्क देखेंगे तो शायद मेरे पे ऊपर वाला रेस्पेक्ट और बढ़ेंगे अगर आपको दिल से ये वीडियो अच्छा जो लगा है तो आप लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे में तो मेरे को लग रहा है हिंदी रश्मि जो आया उन छोटे कलाकारों में एक होंगे तो बहुत बहुत सारे सितारे इधर आएंगे और आपसे बात करेंगे तो प्लीज़ और एक शो है जिधर बहुत लोगों को रियल होने की एक मौका मिलता है और आई आई एम इट्स अ वेरी गुड शो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट हिंदी रश